सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। तो फाइनली यहाँ पे यार मैंने Redmi Note 9 Pro ऑर्डर करा था और काफ़ी दिनों बाद आया है, थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा था ग्लेशियर ब्लू वेरिएंट जो कि Note 9 Pro का देखने को मिलता है। और किस तरीके का है, कैसा है, सब आज की वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग काफ़ी जल्दी करने वाले हैं क्योंकि आपने यार बहुत पहले देख ही ली होगी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, तो इतना देखने का कोई फायदा रहता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास Note 8 Pro है और Realme XD है, दोनों व्हाइट कलर में है और काफ़ी फेवरेट कलर है व्हाइट। तो व्हाइट में यहां पे देखते हैं किस तरीके का देखने को मिलता है। पैकेजिंग देख सकते हो, Qualcomm Snapdragon 720 के साथ यहां पे आता है और यहां पे MRP लिखी हुई है 14999। फिलहाल तो और बैक साइड में आप देख सकते हो कुछ स्पेसिफिकेशन और यार थोड़ा सा ये निराशा है कि 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा यहां पे मिलता है जबकि पिछले Note 8 Pro में 64 मेगापिक्सल का कैमरा था। थोड़ी सी बस निराशा है। और Qualcomm का 720G जो कि काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ डॉट डिस्प्ले देखने को मिलती है फुल HD वाली और इस बार बैटरी में भी इंक्रीमेंट हुआ है जो कि है 5020 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये ग्लेशियर वाइट 4GB और 64GB का वेरिएंट आपको मिल जाएगा। इसको निकाल लेते हैं जल्दी से बाहर और देख लेते हैं किस तरीके का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो एक कागज पत्र देखने को मिलेंगे, इसके अंदर देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या देखने को मिल जाता है। एक सिम इजेक्टेड टूल मिल जाएगा, थोड़ी सी गाइड वगैरह मिल जाती है जिसको आप पढ़ सकते हो, आई डोंट थिंक कोई पढ़ता होगा। उसी के अलावा आपको यहाँ पे केस भी मिल जाएगा, नाइस टच है कि केस भी देखने को मिलता है क्योंकि इस बार तो चाइना में वैसे भी कुछ बहुत ही कम केसेस वगैरह अवेलेबल है और थोड़ा सा यहाँ पे वो भी दिक्कत है, तो इसलिए भी केस एक अच्छी चीज़ रहती है। उसी के अलावा ये है ग्लेशियर वाइट आपको वेरिएंट मिल जाएगा, इसको निकाल लेता हूँ जल्दी से मैं बाहर और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कैसा है। उससे पहले अंदर देख लेते हैं और क्या क्या इस बार दिया है। ओके, तो यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, जो Note 8 Pro है उसके अंदर 18 वॉट का ही देखने को मिलता है और आई थिंक जो Note 9 Pro Max है उसके अंदर आपको 33 वॉट या 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है जो कि इसके अंदर नहीं सपोर्ट करता है, चाहे आप चार्जर भी वो वाला लगा लो, इसके अंदर सिर्फ 18 वॉट का ही सपोर्ट करेगा। और इस बार वाइट कलर का दिया हुआ है, वाइट कलर की केबल भी देखने को मिल जाती है, ब्लैक से वाइट में शिफ्ट हो गए हैं, एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। बॉक्स को साइड में रख देते हैं और अब थोड़ा सा दीदार कर लेते हैं फ़ोन का, पहले स्टिकर वगैरह हटा लेते हैं यार जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे निकल गया है ये कुछ इस तरीके का ग्लेशियर वाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है Note 9 Pro का। दिखने में काफ़ी अलग है अगर आप कंपेयर करोगे दोनों वाइट से और इस बार कलर में थोड़े से चॉइसेस देखने को मिल जाते हैं। Note 8 Pro देख सकते हो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रिज्म इफेक्ट देता है मल्टी कलर वाला और ये नोट रियल मी XD भी देता है, लेकिन इस बार जो ग्लेशियर वाइट है इसमें कोई भी आपको प्रिज्म इफेक्ट या कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं देखने को मिलता है। ग्लास बैक है लेकिन थोड़ा सा यार पता नहीं क्यों क्वालिटी वाइज मुझे प्लास्टिक टाइप का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अगर आप कंपेयर करोगे Realme के XT से और Note 8 Pro से, थोड़ा टफ ग्लास नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है देखने में, हाथ में फील ऐसी आ नहीं रही है। कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये कैमरा मॉड्यूल, नए डिज़ाइन में आया है। साथ ही साथ फ्रंट में आपको यहाँ पे डॉट डिस्प्ले इस बार देखने को मिल जाती है जिसमें नॉच वगैरह आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। इसको बूट कर लेते हैं जल्दी से, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बूट करने के बाद थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन वगैरह किस तरीके से देखने को मिलती है। सो बूट अप हो गया है, काफ़ी टाइम लगा बूट होने में। सबसे पहली चीज़ बूट होने के बाद नोटिस कर पाओगे कि यार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैमरा, काफ़ी मोटा यहाँ पे मॉड्यूल है कैमरे का अगर आप देखोगे और बिंदी लगी हुई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल तो ऑकवर्ड सा लग रहा है लेकिन आई थिंक धीरे धीरे यूज़ करने के बाद अच्छा यहाँ पे लगने लगेगा। ओवरऑल आप देखोगे अगर कंपेयर करोगे Redmi Note 9 Pro से तो बेजल्स काफ़ी ज़्यादा थिक हैं, जी हाँ बेजल्स बड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, देख पाओगे बेजल्स नोट 8 प्रो के आपके काफ़ी कम है और यहाँ पे नोट 9 प्रो के काफ़ी ज़्यादा बेजल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ यहाँ पे है। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी, ये काफ़ी हल्का है, इवन 5000 mAh की बैटरी है लेकिन यहाँ पे नोट 8 प्रो से बहुत लाइट है, यहाँ पे आप हाथ में लेते ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके अलावा चलिए जल्दी से यहाँ पे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इस बार हमको साइड में देखने को मिलता है और ये चीज़ भी नोटिस कर पाओगे फिंगरप्रिंट सेंसर अगर आप लगाने आओगे तो यहाँ पे पोको X2 जो हमारे पास Redmi K30 जो था पोको X2 के नाम से आया था उसका एनिमेशन यहाँ पे शो करता है, उसी का कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जल्दी से एक बार फिंगरप्रिंट सेट कर लेता हूँ
देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर रहता है। और साइड में मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट, तो वो भी चीज़ यहाँ पर देखनी होगी किस तरीके से रहता है। आई थिंक यार साइड का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी है, जब भी आप यहाँ पर पावर बटन दबाते हो तो इसका यूज़ हो जाता है और ईजिली यहाँ पर आपके लिए वर्क भी करने पड़ता है। उसके अलावा आप देख सकोगे रिकॉग्निशन मेथड में आपको यहाँ पर टच या प्रेस का ऑप्शन मिलता है, यानी आप प्रेस करोगे तब अनलॉक हो जाएगा या सिंपली टच करोगे तब भी अनलॉक हो जाएगा, तो आप दो चीज़ों को यहाँ पे चूज कर सकते हो। लॉक करते हैं, टच करते हैं, वाओ, टच करते हैं, लॉक, टच, लॉक, टच, काफ़ी अच्छा है। मुझे यार फिजिकल फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इवन अगर आप कंपेयर करोगे जो आपको इन डिस्प्ले मिलते हैं बहुत ही स्लो रहते हैं और अच्छे नहीं रहते हैं वो, ये आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे टच हो जाता है और काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल ब्लूटवेयर जो देखने को मिलता है, हेलो ऐप, जीजी इस बार कुछ नया ऐप दिया हुआ है। उसके अलावा मोर गेम्स मोर ऐप्स में आपको गाना, ओपेरा मिनी और गेम्स इस बार कुछ सड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं, आप इनको डिलीट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। वीगो वीडियो वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि MIUI वर्जन कौन सा है, क्योंकि अपने में यार MIUI वाले लोग ज़्यादा देखते हैं, जो कि है MIUI 11.3.0, एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है और फेब्रवरी का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, मार्च का अभी भी इसमें नहीं आया है। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि है इंप्रूवमेंट कैमरा के अंदर, और इस बार कैमरा के अंदर बहुत सारे बहुत सारे यहां पे मॉड्यूल दिए हुए हैं, सभी चीज इस बार अनलॉक कर दी है Xiaomi वालों ने Note 9 Pro के लिए। धीरे धीरे मैं सब चीज टेस्ट करूंगा और सब चीज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। और देख सकते हो AI वाटरमार्क का यहां पे दिया हुआ है कि AI से डिटेक्ट करके खुद ही वाटरमार्क दिखे देगा, तो यह भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर देखनी होगी। और ये देख सकते हो अलग अलग तरीके के यहां पर वाटरमार्क देखने को मिलते हैं जिनको आप यहां पर यूज कर सकते हो। अगर मैं ट्राई करूं एक पिक क्लिक करने की और आपको दिखा दूं किस तरीके का देखने को मिलता है AI वाटरमार्क के साथ, तो क्लिक हो जाती है यहाँ पे पिक और इसको अलाउ करते हैं तो कुछ इस तरीके का रहता है। फिलहाल 48 मेगापिक्सल कैमरा है तो थोड़ा सा नीचे ही इमेज आएगी एज़ कम्पेयर टू 64 मेगापिक्सल, लेकिन 64 मेगापिक्सल सैमसंग का भी इतना बढ़िया नहीं था कुछ, और देख सकते हो उस टाइम ये आपको देखने को मिलता है। वीडियो मोड वगैरह आपको मिल जाएगी जिसमें आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग देख लेते हैं 4K 30 FPS तक आप यहाँ पे कर पाओगे और 1080p 60 FPS देखने को मिलती है। मूवी फ्रेम भी देखने को मिलता है जो कि इस तरीके से क्रॉप्ड वाली आती है, और ये चीज़ आई थिंक वीडियो के अंदर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन आप इसको यहाँ पे एज अ वाइड इमेज क्लिक करने के लिए यूज़ कर पाओगे, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और आई थिंक इसका आपको जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर, आपको ये मिलता है जो कि इस वाइड तरीके की मूवी मोड में आपको यहाँ पे पिक मिल जाती है। ये सेम चीज़ आपको फ्रंट कैमरा के साथ भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मैं थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग करूँगा, धीरे धीरे आपको ज़रूर से बताऊँगा कि किस तरीके का क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और ये आपको देखने को मिलता है ग्लेशियर वाइट जो कि थोड़ा ऑफ वाइट है या थोड़ा सिल्वरिश वाइट है, आप बताओ किस तरीके से है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।